सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी होंगे वहाँ अच्छे होंगे। तो आपके ही अपने YouTube चैनल आरके नेम आप सभी का फिर से स्वागत है। तो बने रहिए फिर से एक नई वीडियो में, क्योंकि आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ COVID-19, ठीक है फ्रेंड, COVID-19 से रिलेटेड जो भी व्यक्ति, यानी आप वैक्सीन लगवा लिए, अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, यानी कुछ गड़बड़ी हो गया आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, यानी जेंडर में, मेल फीमेल में कुछ भी गड़बड़ी हुआ, तो COVID-19 एप्लीकेशन ने नया अपडेट निकाला है कि आप सुधार कर सकते हैं। तो इस बात को हम बतला रहे हैं, अपने न्यूज़ पेपर में जो दिया था आपको वहीं बतला रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। किस तरह आप सुधारें, आपको इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरी बात इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है हमारे आगे का वीडियो बनाने। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, अगर इसी प्रकार का वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ चलिए हिंदुस्तान पेपर का जो कटिंग हम आपको दिखला रहे हैं, और वैक्सीन सर्टिफिकेट में गलतियाँ का ऐसे कर सकते हैं आप, कोविन पोर्टल पर भी सुविधा शुरू ठीक कर सकते हैं। देखिए इस तरह के इंटरफेस है हमारे आपको दिखलाने। भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान चल रहा है। वैक्सीन में कोरोना की मुख्य भूमिका निभा रहे कोविन पोर्टल को लगातार बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है सरकार ने। इसमें अब नया एक फीचर जोड़ दिया है, अगर आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट में किसी तरह की गलती हो गई है तो अब आप पोर्टल के जरिए उसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसमें ट्वीट करके बतलाया गया, आरोग्य सेतु द्वारा, ये ट्विटर अकाउंट है जो कि ट्वीट करके बतलाया गया, नाउ यू कैन मेक क्वेरिएशन टू योर नेम, योर ऑफ बर्थ एंड जेंडर, योर कोविन वैक्सीन सर्टिफिकेट इफ इन्वेस्टमेंट यूरोस हैव कोविन गो, ठीक है। इसमें बताया गया आप COVID-19 के जो भी सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं उसमें गलत अगर कुछ हो गया है, नाम यानी डेट ऑफ बर्थ यानी मेल फीमेल जेंडर गलत हो गया, तो आप यहाँ से इसी पोर्टल से आप सुधार सकते हैं। नया अपडेट आया है, ठीक है फिर COVID-19। देखिए इस तरह के इंटरफेस आएगा, आप जो भी अपना मोबाइल नंबर दिए हैं वो अपने COVID-19 एप्लीकेशन से, नहीं तो COVID-19 वेबसाइट से आप जाकर अकाउंट डिटेल्स निकाल कर रिस इन इश्यू, जो भी इश्यू होगा आप यहां से सुधार सकते हैं। देखिए ये आपको साइड में दिखला देते हैं, कोरिजेशन इन सर्टिफिकेट पर जाकर व्हाट इज इशू, क्या इशू है आपका, जो कि नाम में यानी जेंडर में, डेट ऑफ बर्थ में जो भी इशू होगा यहाँ से भर कर आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। चलिए आगे का हम क्या बतलाए गए वीडियो में आप बने रहिए। कोविन पोर्टल पर जाकर आप अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट पर दिए गए नाम, जन्मतिथि या लिंक बदल सकते हैं। बस आपको कोविन के वेबसाइट पर जाकर अपनी समस्या बतानी होगी, इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो वैक्सीन सर्टिफिकेट में आने वाली गलतियों से परेशान थे। सरकार ने उनके लिए गलतियों में सुधार करने का काम अब आसान कर दिया है। इन स्टेप को फॉलो करें, जैसे जैसे हम बता रहे हैं आप अपना मोबाइल साइड में ले लीजिए, अब जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसे आप करिए, अगर नहीं होगा तो कमेंट करिए, हम आपको वहाँ से पूरी कोशिश करेंगे समझाने के, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम आपको यहाँ जो स्टेप हम बता रहे हैं, जो दिया है वही बता रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। अभी हम फिलहाल में अभी अपना इंजेक्शन हम लोगों के एरिया में अभी नहीं लग रहा है, इसी कारण हम लोग नहीं लगवाए हैं, इसी कारण अपने मोबाइल का वीडियो हम लाइव प्रूफ नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो दिया है आपको पढ़कर सुना रहे हैं, ठीक है। आप फॉलो करिए, अगर आपका हो जा रहा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हमारा हो गया तो हमें भी खुशी मिलेगी कि हमारे वीडियो से आप कुछ सीखे, ठीक है फ्रेंड। यहाँ सबसे पहले कोविन पोर्टल को खोलकर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल दें, रजिस्टर नंबर डालें और अपने अकाउंट खोलें, ठीक है फ्रेंड। जो भी अपना रजिस्टर नंबर होगा अपना डालकर अकाउंट खोल लें, उसके बाद समस्या बताने वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, जो साइड में होगा समस्या बताने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो क्लिक करिए, अगर मोबाइल लिए हैं तो लाइव प्रूफ आप कर रहे हैं तो करिए। क्लिक करने के बाद आपको 3 विकल्प दिखाई देगा, अपनी दिक्कत के मुताबिक विकल्प चुन लीजिए, ठीक। अगर आप क्लिक करें तो 3 विकल्प दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ यानी जेंडर, यानी और डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, और नाम में जो भी गड़बड़ी हो आप वहाँ से देख लीजिए। इस तरह का इंटरफेस हम जो फोटो में दिखला रहे हैं इसी तरह का आएगा, रीजन इन इशू, आपको अकाउंट डिटेल्स में जाकर जिस तरह आया, उसके बाद यहाँ से कोरिएशन इन सर्टिफिकेट का ऑप्शन जो दिखलाई दे रहा है आपको, जूम करके हम दिखला रहे हैं, उसके बाद नेम, ईयर ऑफ बर्थ या जेंडर में जो भी प्रॉब्लम हो गया आपको इस पर क्लिक करके उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिए। जो भी अपना नाम, अगर नाम में गलती हो गया तो नाम पर क्लिक करिएगा यहाँ पे, नहीं तो डेट ऑफ बर्थ हो तो डेट ऑफ बर्थ, या नहीं तो जेंडर में आप इस पर क्लिक करके कंटिन्यू पर ये ऑप्शन जो दिखलाई दे रहा है आपको उस पर क्लिक कर दीजिएगा, और अपना सुधार करके उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे का प्रोसेस आप कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए बता दें कि देश भर में टीकाकरण अभियान जारी है। सोमवार को PM मोदी ने घोषणा की थी कि देश
देश भर में अभी सभी के लिए कोरोना का टीका मुफ्त कर दिया गया है। देश में अब से 18 से 44 के लोगों का टीका भी लगाया जा रहा है। इसके अलावा बच्चे पर टीके का असर को देखने के लिए लगातार ट्रायल किया जा रहा है, जिससे कि जल्दी बच्चे के लिए कोरोना का टीका उपलब्ध हो सके। ठीक है फ्रेंड, ये सारी बात हमने अपनी वीडियो में बताई। अगर आपको भी किसी प्रकार का दिक्कत हो रही है तो हमें बताइए। अगर आपको सही इस वीडियो के माध्यम से अगर आपका काम हो गया, प्लीज़ हमें भी एक कमेंट कर दीजिए कि हमारा काम हो गया, तो हमें भी बहुत खुशी मिलेगी कि हमारे वीडियो से आपका काम हो गया। अगर नहीं हुआ तो कमेंट करिए, हम आपको और बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे, अगला वीडियो इसी पे बना देंगे अगर हमको हमारा ऑनलाइन हुआ है तो। ठीक है फ्रेंड, चलिए करते हैं आज का वीडियो समाप्त। फ्रेंड वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो को समाप्त।